नहीं चाहिए। मम्मा तो जाएंगी, मेरे पास आओ ना बेटे, मेरे पास रहा करो, दूर मत जाया करो, समझती नहीं है बच्ची बात को। देखो बेटा, मम्मा तो जाएंगी और चुपचाप जाकर दस्तखत कर आएंगी, और तब तक तुम गारंटी के तौर पर मेरे पास रहोगी। कैसे साए? हाँ कुछ भी नहीं, बस सिर्फ चाहे धात के पेपर्स पे साइन। मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देती, सच्ची। पर क्या करूं, ऐसी सख्ती कर दी है कि बुलाकर मुझे लेके जाना ही पड़ेगा तुमको साइन करवाने। लेकिन मां को तुम्हें मुंह बंद रखना है, तक तुम्हारी प्यारी सी बेटी मेरी बहू मेहमान बन के रहेगी मेरे पास, है ना? कैसी माया? अरे माँ बाप तो अपनी औलाद के खातिर क्या कुछ नहीं कर गुजरते। सिर्फ सिर्फ माफी मांगने की तो बात है, हमजा की यही शर्त है ना कि माफी मांग ले तो मांग ले। तेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आती सना? अगर हम उससे माफी भी मांग लेंगे ना, वो तब भी तुझे उस घर में आबाद नहीं करेगा, नहीं करेगा वो तुझे कबूल। जानती हूं मैं ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, आपकी बहू की वजह से ना। मेरा तो दिल करता है कि मैं उसकी जान ले लूं। ले ले उसकी जान, लेकिन तुझे समझ में बात नहीं आ रही कि इन तिलों में तेल ही नहीं है। मेरी बात सुन, या तो तू उसके साथ गुजारा कर या फिर उसको छोड़ दे। अरे कैसी माया, आप अपनी बेटी को ये मशवरा दे रही हैं कि मैं अपना घर बर्बाद कर दूं? आसान सजा नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। तुम्हें तो जिंदा रहना चाहिए, सिसक सिसक के मरने के लिए।